नमस्कार आपुनाक स्वागतम आपुनि चाइसे द मर्निंग शो म जयंत माधव गोस्वामी आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुकलि करिले आदिगुरु शंकराचार्यर समाधि क्षेत्र और मूर्ति हिमाचल प्रदेश रुद्रप्रयाग जिलात मंदाकिनी नईर पारत निर्मित 35 टन ओजनर 12 फुट उच्चतार मूर्ति उन्मोचन करिब मोदीए लगते पर्यवेक्षण करिब पुनर निर्माण हुआ केदारपुरी आदिगुरु शंकराचार्य भ्रमण करा देशर विभिन्न धार्मिक स्थानत वर्चुअल जुगे एक अनुष्ठान पुनपटिया सम्प्रचार करार लगते विभिन्न अनुष्ठान आयोजन करा हुसे देशर 12टा ज्योतिर्लिंग शंकराचार्यर 4टा मठ आरु तेउ जन्मस्थानत पुनपटिया सम्प्रचार हब एक अनुष्ठान देशर आन केबाटा मठ मंदिर लगते शंकराचार्य भ्रमण करा अहोमरो 5टा मंदिरत अनुष्ठान आयोजन करा हुसे बीजेपी आरु অসম প্রদেশৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ 5টা স্থানত আয়োজিত হৈছে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান শংকৰাচাৰ্য ভ্ৰমণ কৰি যোৱা কামাখ্যা মন্দিৰ শিৱদৌল মহাভৈৰৱ মন্দিৰ টিলিঙা মন্দিৰ আৰু গোৱালপাৰাৰ টুক্লেশ্বৰী শিৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া ঠিক একেদৰে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী যোগেন মহন তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সাংসদ পল্লৱ ৰোচন দাস আৰু গোৱালপাৰাৰ টুক্লেশ্বৰীৰ শিৱ মন্দিৰত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকে या शक्तिशाली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तराखंड के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उत्तराखंड की छोटी सी छोटी समस्या से भली भांति अवगत हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे प्रदेश के अंदर भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उसमें तमाम लोग जो है सेना के भी जो है आपके निर्देशन में यहां पर काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के सहयोग से आज ऐसे बहुत से काम हुए हैं जो पहले नामुमकिन लग रहे थे। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, अन्य पर कार्य चल रहा है। हम पहाड़ में रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था। अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था जिन्होंने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी। वो पिछले वर्ष देहरादून रेल देखने के लिए आए थे। तो जहां मोदी जी ने सपने को साकार किया है पहाड़ में रेल को देखने का, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। वही सामरिक एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना जो 154 किलोमीटर की है टनकपुर से बागेश्वर, उस योजना को भी आपके निर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह 4 धाम ऑल वेदर रोड है भारतमाला प्रोजेक्ट पर तीव्र गति से काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह परियोजना है जहां 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएंगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाएंगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इस सैटेलाइट सेंटर के खुलने से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों तथा सीमांत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को और साथ में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यंत फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हवाई सेवाओं के साथ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु आपके नेतृत्व में जहां हमने एक ओर इस महामारी से डटकर मुकाबला किया है, वहीं विकास की गति को भी आगे बढ़ाया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन
मुफ्त वैक्सीन चल रहा है, पूरी दुनिया आज इसकी सराहना की जा रही है। हमारे प्रदेश ने सफलतापूर्वक कोविड की प्रथम डोज को लगाने का लक्ष्य समय से पूर्व ही 100% प्राप्त कर लिया है। साथ ही दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सफल हो चुके हैं। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, खेती किसानी, सिंचाई, हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व तरक्की की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं। और केदारनाथ पुनपटिया सम्प्रचार आम आग